कस्टमर की डिमांड को अभी पूरा कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें एक दिन में 5000 पीस की रिक्वायरमेंट है, हमें 10000 पीस की रिक्वायरमेंट है, तो इन मशीन के जरिए आप उनकी डिमांड को पूर्ति कर सकते हैं। सर दोस्तों, मैं रजत कुमार भगवती बिजनेस आइडियाज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे एक आदमी की पहचान उसे घर से होती है, वैसे ही कोई फैक्ट्री, अच्छी फैक्ट्री की पहचान उसकी मशीनों से होती है। बहुत सारे क्लाइंट अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके पास, अगर आप डेली का 1000 पीस भी डेली बनाते हैं, तो आप मैनुअल मशीनों से ऑटोमेटिक मशीनों पर जब आते हो तो आपकी कंपनी का वर्किंग स्टाइल ही चेंज हो जाता है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास माल लेने के लिए आता है तो उसका ऑर्डर देने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को एडिट करके वहाँ पे लगाया हुआ है, एक्चुअल नहीं दिखाया हुआ, लेकिन जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं वहाँ पे देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है, प्रोडक्शन हो रही है और बहुत सारे लोग 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आते ही उनका ऑर्डर देने का मन कर जाता है। उसी तरीके से अगर आप भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास आती है ऑटोमेटिक डाई कटिंग मशीन हमारी एलईडी पैकेजिंग की एक हुआ है, क्योंकि आजकल मशीनें इतनी हो गई है कि ऑटोमेटिक के नाम से बहुत सारी मशीन हमारे पास मिलती है आपको। ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन और ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन और प्रिंटिंग मशीन, आइए इस वीडियो में आप कवर करते हैं कि इन मशीनों को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या इनका यूसेज होता है, क्या इनका प्राइस होता है, किस तरीके से ये आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, किस तरीके से ये आपको एक अच्छी क्वालिटी देती है। आइए वीरा जी सबको दिखाइएगा हमारी फैक्ट्री के अंदर। अगर आप भी ये मशीनें परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी प्राइस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन और फैट प्रिंटिंग मशीन। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब हम डिफ्यूजर को लगाते हैं तो ओपन हो जाता है, उसके लिए हमारे पास है ऑटोमेटिक ग्लू मशीन। ग्लू को लगाने के बाद उसका जो डिफ्यूजर है वो ओपन नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं कहीं बहुत सारे कामों के अंदर बिजी होता हूँ, इस दौरान वीरा जी आपको अपडेट करते रहेंगे, सारी वीडियो को बताते रहेंगे। आपके मैंने अभी वीडियो देखी थी, आपने दीपक होली वाली वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट किए, कांग्रेचुलेशन किया, और मेरा दिल बहुत ही खुश होता है जब यहाँ पर क्लाइंट आते हैं और कहते हैं भैया मैं आर्मी के अंदर हूँ, आज से 6 महीने पहले मैं छुट्टियों पे अपने घर पे आया था, मैंने आपकी वीडियो में काफी टाइम से जब मैं अपनी ड्यूटी पे था देख रहा था, तो मैंने सोचा इस व्यापार को अपने भाई के लिए करता हूँ, और मैंने वो 600 बल्ब लिए थे और उन 600 बल्बों को मात्र हमने अपने घर पे बनाकर ही बेच दिया है, और 6 महीने के अंदर मात्र 1% 9 वाट एलईडी बल्ब एचपीएफ ड्राइवर एडिशन के अंदर रिप्लेसमेंट जब आई तो मेरा ऑर्डर देने का मन 4 गुना हो गया, और मेरा प्लानिंग है कि रिटायरमेंट के बाद इस काम को करूंगा। मेरा बहुत ही दिल खुश होता है ऐसे ऐसे लोगों की जब मैं बातें सुनता हूँ, बहुत अच्छा दिल लगता है कि आज हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जहाँ पर हम जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं, कहीं पे हम व्यापार को बढ़ा पा रहे हैं, कहीं पे हम लोगों को बिजी रखने में कामयाब हुए हैं और उनको एक अर्निंग भी कमा पा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी क्लाइंटों का। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, अपने व्यूज देते हैं, अपनी कामयाबी की स्टोरी हमारे को बताते हैं। और दोस्तों अगर आपने भी हमारे साथ जुड़कर एक छोटी सी पूंजी के साथ में शुरुआत किया और एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अपने लिए किया, अपने भाई के लिए किया, अपने पेरेंट्स के लिए किया, किसी चीज के लिए भी, किसी के लिए भी किया, आज वो अगर अच्छा फल फूल रहा है तो उसकी वीडियो अपने व्यूज के साथ, अपने जो इस तरीके से आपने सेट किया आपकी जर्नी, किस तरीके से आपने छोटे टाइम के अंदर, छोटी पूंजी के अंदर शुरू किया और आप एक अच्छा व्यापार करें, उसकी वीडियो हमें जरूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे वीडियो को हमारे यूट्यूब पे लगाने की, ताकि आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बन पाए लोगों के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री के एक नए यूट्यूब चैनल भगवती बिजनेस आइडियाज़ में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए आप अपने अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आप कमाई कर सकते हैं, और अपने काम की जो आपकी स्पीड है उसमें आप कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ला सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी ऑटोमेटिक मशीनरीज के बारे में, जिसमें टिक्की फिटिंग मशीन, ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन और ऑटोमेटिक ग्लू मशीन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारी
मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे, जहाँ पे इस वक्त BH2 9 वोल्ट बल्ब रेडी हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हीटिंग कंपाउंड लगाया जा रहा है टिक्की के ऊपर, उसके बाद स्क्रू फिटिंग मशीन से MCPCB को सेट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक एक पीस जो है वो फ्लक्स लगा के सोल्डिंग की जा रही है, आपकी MCPCB की सोल्डिंग की जा रही है। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर होता है एक बल्ब को बनाने के लिए सिस्टम वाइज, तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सर जो हैं वो आई बना रहे हैं, B22 कैप की जो है वो सोल्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जिस मशीन के बारे में हमने आपको बताया था वो है हमारी ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे बल्ब की जो टिक्की है, अब इसको हम फिट करेंगे किस मशीन से, ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन से। तो सर आपको टिक्की फिट करके दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से टिक्की फिटिंग की जाती है। ये जो आपकी मशीन होती है ये सर आपकी चलती है एयर कंप्रेशर से, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 2 HP का जो है एयर कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो आप इस मशीन के जरिए जो है बहुत ही कम समय में आप अपने बल्ब की टिक्कियों को फिट कर सकते हैं, और आपने एक दिन में कितनी टिक्कियां फिट करी हैं उसकी काउंटिंग भी आपकी मशीन में दिखाई देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी है ऑटोमेटिक कैप पंचिंग मशीन, जिसके जरिए आप B22 कैप और एक कैप दूसरी कैप होती है जिसको हम बोलते हैं E27 कैप, तो उस कैप को भी इस पंचिंग मशीन के जरिए आप पंच कर सकते हैं, जो इस तरीके से वर्क करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी B22 कैप जो है वो पंच हो चुकी है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके की आई है, कोई क्रैक का कोई निशान नहीं है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन मशीन के जरिए आप अपने बिजनेस को ना केवल एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं, बल्कि आप उन कस्टमर की डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि हमें एक दिन में 5,000 पीस की रिक्वायरमेंट है, हमें 10,000 पीस की रिक्वायरमेंट है। तो इन मशीन के जरिए आप उनकी डिमांड को पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पैकिंग लाइन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ऑटोमेटिक ग्लू मशीन के बारे में कि वो कैसे वर्क करती है, उसका क्या कार्य रहता है। आइए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी पैकिंग लाइन की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक बल्ब को जो है साफ किया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है, और पैक होने से पहले कस्टमर के डिमांड पे पैक होने से पहले उस एक एक बल्ब की चेकिंग की जाती है, ताकि कस्टमर को प्रॉपर ए ग्रेड का सामान दिया जाए, कोई क्वालिटी में फॉल्ट ना हो। तो दोस्तों, जिस मशीन के बारे में हमने आपको बताया था ऑटोमेटिक ग्लू मशीन के बारे में, वो ऑटोमेटिक ग्लू मशीन कुछ इस तरीके से वर्क करती है आपकी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाउसिंग के ऊपर किनारे साइड पे ग्लू लगाया जाता है, और फिर उस ग्लू के साथ में हमारा जो डिफ्यूज़र है उसको पेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी हाउसिंग के साइड में ग्लू लग चुका है, अच्छे से लगा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, डिफ्यूज़र को पेस्ट किया जा रहा है हाउसिंग के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या फ़ायदे होते हैं आपके, अगर डिफ्यूज़र में ग्लू लगाया जाता है, इसको चिपकाया जाता है ग्लू के साथ, एक तो आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि कई बार क्या होते हैं कुछ बल्ब घर के बाहर भी लगाए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया आपका या रोड एरिया हो गया, ये घर के बाहर होते हैं जैसे, तो वहाँ पे भी LED बल्ब को लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर डिफ्यूज़र आपका चिपका रहेगा हाउसिंग के साथ, तो इसके अंदर जो है पानी घुसने की संभावना ना के बराबर होगी, जिसकी वजह से आपके पास रिप्लेसमेंट जो है वो कम से कम आएगी। आपका जो डिफ्यूज़र चिपकाने से क्या होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो आपका सामान जाता है वो डैमेज नहीं होगा। अगर किसी क्लाइंट ने, कस्टमर ने आपके बल्ब के साथ छेड़छाड़ी करी है, तो उससे क्या है आपको पता लग जाएगा कि आपके बल्ब के साथ छेड़छाड़ी करी गई है। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक बल्ब की जो है वो छल्ला पैकिंग की जा रही है, उसको पैकिंग बॉक्स के अंदर सेट किया जा रहा है, बॉक्स के अंदर पैक किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेजिंग बॉक्स के अंदर बल्ब को पैक किया जा रहा है। तो अगर आपको अपने ब्रांड से, अपने नाम से पैकेजिंग बॉक्स छपवाना है, तो नीचे गए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार, आप अपने कलर के अनुसार, आप अपने डिज़ाइन के अनुसार अपने जो बॉक्स को है वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन मशीनों को हम फिट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन की, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मशीन को यूज़ करने के लिए हमें इसे एक प्रॉपर हाइट पर रखना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 5-6 mm की एलेंकी, 19 mm की स्पैनर,
कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर। तो सबसे पहले ये जो सेफ्टी लॉक है इसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद एलिंग की बोल्ट को हल्का हल्का लूज करेंगे ताकि हम मशीन को ऊपर कर पाएं। दोस्तों अगर मशीन ईजली ऊपर नहीं आ रही है तो हम इस तरह से हैमर और स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं और फिर हम इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इसकी हाइट आप रख सकते हैं 7 to 8 inch। दोस्तों एलिंकी बोल्ट और सेफ्टी लॉक को टाइट करने से पहले एक बार आप सेंटर जरूर देख लें कि ये आखिर बीच में है या नहीं। दोस्तों जैसा कि सिरे में हमने आपको बताया कि इन मशीनों को यूज करने के लिए हमें कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है, तो मिनिमम हम 2 HP का कंप्रेसर यूज करेंगे। और दोस्तों अगर फ्यूचर में आप मशीन की क्वांटिटी और बढ़ाने वाले हैं तो आप कंप्रेसर इससे हेवी भी ले सकते हैं। दोस्तों कंप्रेसर में आपने देखा होगा बार PSI, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, kg, f सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिखे होते हैं। तो हमें यहाँ पे सेट कितना करना है प्रेशर, तो सबसे पहले आप देख लें कि आपका प्रेशर आ रहा है या नहीं, इसके बाद हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हमें इसे ऊपर करना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कट से एक साउंड आएगी। उसके बाद हम इसे धीरे 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 रोटेट करेंगे जब तक कि ये 6 या फिर 80 पे आ ना जाए। उसके बाद हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसे हम देंगे पावर सप्लाई। दोस्तों अगर हम 3 to 9 watt की LEDs बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 57mm की, और अगर 12 to 15 तो हम यूज करेंगे 65mm की। अगर इसके ऊपर की हम LEDs मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं तो उसके हिसाब से फिर हम डाई और फिक्चर यूज करेंगे। दोस्तों मशीन में 2 स्विच दी गई है, पहला रेड दूसरा ग्रीन। रेड आपका ऑन ऑफ पावर सप्लाई और जो ग्रीन है ये हम सेंटर एडजस्ट करने के लिए, और इसे हम ऑन ऑफ करके हम ऊपर की तरफ से सेट भी कर सकते हैं कि टिक्की पे प्रॉपर प्रेशर आ रहा है या नहीं। टिक्की पे अगर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हम इसे ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, और अगर प्रेशर कम चाहिए, ज़्यादा प्रेशर आ रहा टिक्की पे, तो इसे हम नीचे की तरफ रोटेट करेंगे और फिर लॉक कर देंगे। दोस्तों अगर हम इसमें अगर कोई और वाटेज की बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग भी हम ऊपर से ही करेंगे। दोस्तों जो टाइमर है उसे हम 0 से 2 के बीच में रखेंगे। दोस्तों टाइमर के ऊपर आप देख रहे हैं आप जितनी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पे काउंट होता रहेगा। दोस्तों अभी तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिटिंग करने में या फिर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम सेट करते हैं ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन को। इससे हम B22 कैप और E27 कैप पंच कर पाएंगे। तो इसमें आप पैडल पे आप देख रहे हैं इस पे AB और P लिखा है, तो जिसमें P लिखा है इसमें हम प्रेशर का पाइप इंसर्ट करेंगे और AB आपकी जाएगी मशीन पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे तो अगर पिन बाहर की तरफ आती है तो फिर जो A और B लिखा है इसको हम एक्सचेंज कर देंगे पाइप, ताकि आप जब पैडल प्रेस करो तब फिर ये पिन बाहर आएगी। दोस्तों इसका सेटिंग बस इतना ही है। अब हम सेट करते हैं ऑटोमेटिक ग्लू मशीन को। तो सबसे पहले हम इसमें कंप्रेसर का पाइप लगाएंगे, उसके बाद इसे भी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि हम यूज करेंगे 12 वोल्ट की एडेप्टर। दोस्तों ये जो बटन है ये हमारा प्रेशर ऑन ऑफ के लिए है, और ये जो बल्ब देख रहे हैं ये टैंक, ये जो सिलेंडर है जिसमें ग्लू की बोतल हम इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर से प्रेशर निकालने के लिए है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम ग्लू की बोतल इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ग्लू की बोतल डाल लेंगे। दोस्तों इसमें भी प्रेशर हमारा उतना ही रहेगा, तो इसमें भी उसी तरह से सेटिंग करना है जिस तरह से हमने ऑटोमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन में की थी। दोस्तों सब कुछ अच्छे से सेट होने के बाद अब हम इसमें प्रेशर सेटिंग करेंगे। दोस्तों इस मशीन में सेफ्टी फीचर्स भी हैं, अगर 90 से ऊपर
प्रेशर जैसे ही जाएगा वैसे ही ये जो सेफ्टी बल्ब है इससे बाहर आ जाएगा। दोस्तों अब ये मशीन ग्लू लगाने के लिए तैयार है। ग्लू का काम खत्म होने के बाद आप इस नोजल को क्लीन करके रखना ना भूलें। अभी इस वक्त यहाँ पे 0 वॉट जो हाफ वॉट बल्ब का बल्ब होता है जिसको हम डेको बल्ब भी बोलते हैं वो 2 तरह की पैकिंग में अवेलेबल होता है मार्केट में और हमारे पास भी। एक होता है आपका ब्लिस्टर पैकिंग और एक हो आपका पैकिंग बॉक्स। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ब्लिस्टर पैकिंग हो रही है। आप सामने देख सकते हैं कि ब्लिस्टर मशीन के जरिए ऑटोमेटिक ब्लिस्टर पैकिंग मशीन के जरिए एक एक ब्लिस्टर की जो है वो पैकिंग की जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लिस्टर पैक होके रेडी हो चुका है हमारा हाफ वोल्ट का बल्ब जिसमें एक ब्लिस्टर के अंदर आपके 6 पीस आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपने ब्रांड से अपने नाम के ऊपर अगर आपको ब्लिस्टर पैकिंग बनवानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑलरेडी हाई वोल्टेज जो बल्ब होते हैं जो आपको 30 वॉट 40 वॉट 50 वॉट में मिलते हैं ये जो बल्ब हैं वो डिस्पैच होने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज बल्ब आपके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपका जो है 12 वोल्ट का जो बल्ब रखा गया है ये भी पैक हो चुके हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा पूरा जो है स्टॉक है वो पूरा रेडी हो रखा है डिस्पैच होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 वोल्ट की T5 यहाँ पे रखी गई है। T5 भी जो है वो रेडी है डिस्पैच होने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो है फ्लड लाइट को बनाने का एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है वो 50 वॉट की फ्लड लाइट जो है वो बनाई जा रही है। तो दोस्तों चलो अब हम चलते हैं हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों प्रिंटिंग 2 तरह की होती है, एक होती है पैड प्रिंटिंग मशीन और एक होती है लेज़र प्रिंटिंग मशीन। तो आज मैं आपको हमारा लेज़र प्रिंटिंग डिपार्टमेंट दिखाने के लिए लाई हूँ जहाँ पे हमारी जो है बल्ब के ऊपर लेज़र प्रिंटिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेज़र प्रिंटिंग होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे लेज़र प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में अभी लेज़र प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे वो काम करती है। और जैसे कि हमने बताया कि एक दूसरी प्रिंटिंग भी होती है जैसे कि हम बोलते हैं पैड प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए आप पैड प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो उस मशीन के बारे में हम आपको और अधिक जानकारी देंगे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा स्टॉक है जो कि रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पार्सल्स रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल रेडी हैं डिस्पैच होने के लिए, ट्रांसपोर्ट में लगने के लिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो डिस्पैच डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है आइटम्स एक एक पीस की काउंटिंग करके रखा जाता है बॉक्सेस के अंदर, आपके सामान को पैक किया जाता है जो कि यहाँ पे होता है आपके डिस्पैच डिपार्टमेंट पे। दोस्तों ये हमारा जो है सेल्स डिपार्टमेंट है जो आपके अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके क्वेरीज के अकॉर्डिंग, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको कोटेशंस प्रोवाइड करती हैं, आपको इनवॉइस प्रोवाइड करती हैं। आप इनसे डायरेक्टली टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो भी जानकारी है आप उनसे ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है जो कि आपके ऑर्डर से रिलेटेड आपकी बिलिंग को मेंटेन करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए झट से टोल फ्री नंबर मिलाएं। इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अगर आप पाना चाहते हैं बिजनेस में एक नया मुकाम तो झट से ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करें अपना काम। मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ और ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ। जय भगवती। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारी LED माउंटिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे LED जो है वो माउंट हो रही है हमारी बेड पे।